हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेचर करीमा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो ये हैं बॉइल्ड चने, थोड़े थोड़े अंकुरित भी हैं स्प्राउट वाले। ये आप देख सकते हैं स्प्राउट वाले चने हैं ये। तो इन और इसमें साथ में बॉइल किए हैं मैंने कुछ आलू। तो आलू को हम छोटे छोटे पीसों में इस तरह से कट कर लेंगे, इसमें मिक्स नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इससे तैयार करने वाले हैं एक बहुत अच्छी सी चाट, बहुत ही टेस्टी, जैसे छोले हो, जैसे हमें ठेलों पर और उस पर मिलते हैं ना चाट, उसी तरह का हम एक चाट रेडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम आलूओं को इस तरह से चौकोर हिस्से में काट कर अच्छे से रखना है, ज़्यादा महीन बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इससे आलू का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये सब दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया था जब मैंने इनको बॉईल किया था, तो और मैंने दोनों को साथ में ही बॉईल किया है, इसलिए थोड़े से मिले मिले लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम थोड़ा सा अपने मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करूँगी। और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च ऐड कर दूंगी क्योंकि ये हम बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए। और इसी में कुछ थोड़ा सा मैं धनिया बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करूंगी क्योंकि बच्चे धनिया ऊपर से डालना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स इतना सा मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे, इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इसकी और इसका कलर अच्छा लगेगा थोड़ा हल्दी से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं। आप देख सकते हैं छोले का जो हम बन लेते हैं उसके ऊपर फिर हम चटनी वगैरह ऐड करते हैं तो ऐसा ही बनता है। इस तरह से बच्चों को, अपने बच्चों को स्नैक्स में दीजिए फ्रेंड्स। आपके बच्चे जब भी आप खाने मांगें आप इस तरह से बना के रख लीजिए, अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए एक दो दिन के लिए फ्रिज में, अच्छे से रखा रहता है। जब भी आपके बच्चे आपसे टिक्की की फरमाइश करें तो आप इसे इस तरह से बनाकर रखें तो झटपट बनाकर दे भी सकते हैं हम बच्चों को। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने कुछ मसाले, क्या क्या मसाले लिए हैं आप देख सकते हैं। तो ये मैंने हरी चटनी इसके लिए इसमें ऐड करूंगी, तो हरी चटनी ली है मैंने, ये इमली की चटनी है ये मेरे पास स्टोर रखी हुई थी। और ये कुछ सेव लिए हैं, ये आलू भुजिया वाले सेव हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं, बारीक इससे भी बारीक आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये चाट मसाला लिया है मैंने और ये कुछ कटे हुए टमाटर के लिए हैं, बारीक टमाटर। और ये प्याज ली है मैंने बारीक कट करके। तो और इसके ऊपर आपको जो भी ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस हम बनाना अपना चाट बनाना रेडी करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसमें आलू और छोले का कुछ पेस्ट इसमें डालेंगे पहले। सॉरी फ्रेंड मैं आपको दही बताना भूल गई, आप चाहे तो ये घर का दही है तो इसे फेंट कर हम अच्छे से इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, इससे भी हमारे चाट बहुत अच्छे से लगेगी। ये मीठा वाला दही है, खट्टा वाला दही नहीं है।
तो ये दही ली है मैंने। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, दो तीन परत बनाएंगे हम इसमें, इससे हमारी चाट बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगने वाली है। प्याज हमने ऐड कर दी है, अब इस पर मैं चाट मसाला ऐड करूंगी। ये चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं सेव ऐड करूंगी। फ्रेंड्स ये काला नमक लिया है मैंने, आप इसके ऊपर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो। ये मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें भुना जीरा पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी मैं इमली की चटनी ऐड कर दूंगी। इमली की चटनी मैंने ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं दही ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया है। स्टफिंग डाल दी है मैंने, अब इस पर मैं थोड़ी सी हरी चटनी ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने हरी चटनी इसमें ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर लाल चटनी और ऐड कर दूंगी, थोड़े से सेव और इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी चाट आपको कैसी लगी? अगर आपको इसके अलावा और इसमें तीखा ऐड कुछ करना चाहते हैं तो ये बच्चों के लिए बनी हुई है। तो इसके अलावा अगर आप फ्रेंड्स तीखा इसमें डाल रहे हैं तो डाल भी सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में हरी मिर्च बहुत तीखी आ रही है, तो हरी मिर्च और धनिया की चटनी है तो बहुत तीखी है। अगर फ्रेंड्स आप इसमें रेड चिली ऐड करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपको मेरी ये चाट की रेसिपी कैसी लगी? तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका टेक्सचर है, कितनी परत इसमें बनी हुई है और कितनी प्यारी ये लग रही है। तो ये इस तरह से अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बच्चों को दें। और फ्रेंड जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में कुछ पूछ भी सकते हैं। तो चलो थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो आप देखने के लिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगली वीडियो को तो फ्रेंड अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू एंड बाय बाय।